नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल जय विद स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आजकल जो विभिन्न जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हो रही है वहां पर उस टॉपिक से एक न एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। वो जो टॉपिक है उसका नाम है विश्व के प्रमुख संगठन। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक न एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है इसको हम है ना लगभग 20 टॉपिक है, लगभग 20 टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अंदर जो अपन कवर करेंगे विभिन्न वीडियो के माध्यम से। तो आप सब लोग एक सब्जेक्ट से एक कॉपी बना लीजिए और उसमें अपन एक के बाद एक जो टॉपिक से उनको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको बिल्कुल प्लानिंग के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यूं तो बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अपन उसके लिए परफेक्ट बन गए तो सोचो कि अपना सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उस एप्लीकेशन का नाम होता है परीक्षा है। ठीक है, ये परीक्षा है नाम की एक एप्लीकेशन है जिस पर आप कोई से भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस लगा सकते हैं। ये जो परीक्षा एप्लीकेशन है यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा अलग अलग प्रकार के। यहाँ पर आपको चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान या भारत का भूगोल या इसके अलावा गणित, रीजनिंग, साइंस, कोई सा भी टॉपिक हो आप यहाँ प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी टेस्ट सीरीज। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ पर इस परीक्षा ऐप के माध्यम से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी, तो आप ये टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हो ना। इस टेस्ट सीरीज में मेरा एक कोड भी है, अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो आप G150 कोड अगर डालोगे तो वहां पर आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यहां से इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हो। उसके चलो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक आज का है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है, ये जो संगठन है, इसका हिंदी में नाम अगर हम देखें तो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, नाम से ही पता चल रहा है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। आगे देखते हैं इसके बारे में ना। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 11 अप्रैल 1919 में, बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ये, याद रखिए 11 अप्रैल 1919 को इस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थापना हुई थी। उसके बाद ये जो संस्थान है, ये जो संगठन है, 1946 में इसे संयुक्त राष्ट्र का एक अंग बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र का जो है इसको अंग बना दिया 1946 के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है ना, जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बात करें सदस्य देशों की अगर तो 185 यानी कि 185 जो देश है इसके सदस्य देश है, 185 देश के बाद इसके वर्तमान जो महासचिव या अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो गाय राइडर है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर में अगर प्रश्न बना तो यहाँ से बनने के थोड़े से ज्यादा चांस हो जाते हैं कि वर्तमान में ILO के जो महासचिव है या फिर अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो गाय राइडर। ये जो संगठन है विश्व में श्रमिक मालिक एवं सरकार के सहयोग का प्रयत्न करने वाला विश्व का एक सबसे प्रमुख संगठन है। मतलब श्रमिक जो काम करने वाले होते हैं या मालिक किसी भी अगर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है एवं सरकार जो है सबके मध्य ये तालमेल बनाने का काम ये संगठन करता है। ठीक है, आगे बात करें ये जो संगठन है श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने, जो विभिन्न प्रकार की मजदूरी करने वाले मजदूर लोग होते हैं उनकी स्थिति में ये सुधार करने का प्रयत्न करता है, उनका जो जीवन स्तर है उसको उन्नत करने एवं सामाजिक शांति बनाए रखने का प्रयत्न करता है। ये जो संगठन है इसकी जो स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 1919 में हुई थी और इसकी स्थापना का जो 50वीं वर्षगांठ यानी कि इसकी स्थापना के जो 50 वर्ष हो गए थे, ये 1969 में 50 वर्ष हो गए थे और इसी उपलक्ष में इसको शांति का नोबल पुरस्कार मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना, कभी पूछ ले कि निम्न में से किस संगठन की 50वीं वर्षगांठ पर उसको नोबल पुरस्कार मिला था शांति का, तो आप नोट कर लेना ये है ILO। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन में चर्चा करी। अगला जो हमारा संगठन रहेगा वो हम UNO के बारे में चर्चा करेंगे, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, तो आप बिल्कुल अच्छी सी कॉपी बना लीजिए और उसमें ये संगठन एक के बाद अपन नोट करते चलेंगे। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन वाला ये बहुत आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे।
ना, मैंने आपको जो परीक्षा ऐप के बारे में बताया, आप लोग जरूर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके देखना, वहां पे आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और नए नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही अगर आपको चाहे आप किसी भी प्रतियोगी छात्र, जैसे रेलवे हो गई, SSC हो गई, उसके अलावा जैसे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, SI या फिर MPPSC, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वो जो एप्लीकेशन है बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर आप टेस्ट सीरीज खरीद रहे हो तो एक बार पुनः मैं बता देता हूँ, मेरे जो कोड है G150, ये जो कोड है, अगर आपने कोई सी भी टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए ये कोड अगर आप उपयोग करोगे तो आपको यहाँ पर 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्रकार आसानी से आपको प्रश्न जो बुक है वो अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद अपन अगले जो वीडियो में चर्चा करेंगे यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।